इस वक्त राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू है, सिर्फ ज़रूरी लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की परमिशन है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 25% बसों को चलने की इजाज़त दी है, यानी कि सिर्फ ज़रूरी लोग ही दिल्ली NCR में एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो सड़कें कभी भीड़ से गुलजार रहती थी, इस वक्त वीरान और सुनसान पड़ी हैं। यानी कि चाहे वो सरकारी बसें हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, या फिर निजी वाहन हो, सिर्फ वही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।